हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि डिमांड में जो शिफ्ट आता है, डिमांड कर्व में टू बी प्रिसाइज शिफ्ट आता है, और जो फैक्टर्स हैं शिफ्ट के लिए वो क्या हैं, कैसे काम करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबी हो, और जल्दी से जल्दी हम टॉपिक कवर कर लेंगे कि आपको भी कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड का, वो है इनकम ऑफ बायर। अगर आपकी इनकम कम ज़्यादा है तो आपकी डिमांड भी कम ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपकी इनकम कम हुई तो आप डिमांड कम कर सकते हो, ज़्यादा हुई तो ज़्यादा कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, आप दूसरी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद क्या आता है, कस्टमर्स ट्रेंड एंड टेस्ट। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो उससे डिमांड चेंज होगी और वो इम्पैक्ट करेगा डिमांड पे। फिर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो आप इसका जितना ज़्यादा एग्जांपल है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे प्राइस के वजह से जो है कभी भी कोई चीज़ें नहीं चलती, डिमांड और प्राइस का वहाँ पे एक जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो हमेशा काम नहीं करता है। फिर एक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स का क्या, अगर प्राइस कम ज़्यादा होता है तो जो मेन गुड्स होते हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी डिमांड पे भी चेंजेस आता है। फिर है नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर। लेट्स से ख़रीदने वालों की कम ज़्यादा अमाउंट हो रही है, या ख़रीदने वाले कम हैं और ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है प्राइस अगर वही रहेगा तो डिमांड कब आगे पीछे जा सकती है। तो इसमें दो फैक्टर्स है, पहला है डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट, और दूसरा है कि सप्लाई को अगर हम रख के पढ़ेंगे तो कैसा होगा। तो आई एम सो सॉरी बट आज की वीडियो में हम ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे। फिर है डिमांड कर्व शिफ्ट राइट, कि डिमांड कर्व शिफ्ट राइट कैसे होगी, डिमांड कब बढ़ेगा कैसे प्राइस सेम रहते ही। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके साथ साथ आज हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे कोई फैक्टर जो शिफ्ट है डिमांड कर्व का वो डिटरमाइन करता है। तो पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट में शिफ्ट जो होता है डिमांड कर्व, वो लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब क्या है और क्यों शिफ्ट हो रहा है। तो लेट से पहला डिमांड कर्व ये था, और मार्केट में कोई एक ऐसा फैक्टर ने डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड को, डिमांडेड को ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि प्राइस तो सेम है बट उसका जो डिमांड है वो कम हो गया। इसका एग्जांपल हम पीछे समझे टॉपिक से देंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में भी आएगा, और लास्ट स्लाइड को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहला है इनकम ऑफ बायर। इनकम ऑफ बायर, लेट से हम कहते हैं कि इन बायर की जो इनकम है, आपकी इनकम बढ़ गई। हाँ, तो जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा सामान खरीद सकते हो। बट यहीं पे अगर आपकी इनकम कम हो गई, लेट से आपकी इनकम कम हो गई, तो आप क्या करोगे उसमें, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे चीज़ें, तो आप अपनी चीज़ों में कट करोगे ना। तो डजंट मैटर कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ का क्या प्राइस है, बढ़ता है कम होता है, अगर आपकी इनकम कम होती है, आपकी जॉब चली जाती है, कोई वजह से आपका जो इनकम था पोटेंशियल इनकम वो कम हो रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से आपका क्या होगा, जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। हाउएवर डिमांड जो वो पर्टिकुलर प्राइस है उसका डिमांड कम हो रहा है बट प्राइस तो वही है, समझ रहे हो आप। मार्केट से एक बंदा चला जा रहा है, कम क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, बट प्राइस तो वो है, प्राइस तो कंपनी ने चेंज नहीं किया। फिर कस्टमर ट्रेंड एंड टेस्ट। लेट से आपने चेंज कर दिया अपने खाने पीने का तरीका। अब आप क्या करते हो, पहले आप नॉनवेज खाते थे, हाँ, बट आप अब क्या कर रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो वीगन मीट पे। कितना फैंसी सा लग रहा है ना, वीगन मीट। तो अगर आप पहले मटन खाते थे, अब आप चाह रहे हो वीगन मीट में, तो मटन से क्या हो गया, 1% निकल गया उसकी क्वांटिटी डिमांडेड निकल गई, उसकी डिमांड कम हो गई। बट मटन का क्या प्राइस कम हुआ था, नहीं, मटन के प्राइस की वजह से ये नहीं हो रहा, क्योंकि लोग वीगन मीट पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसी के वजह से ये फिनोमेना देखने को मिला इस बार।
फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, यार ये सच में ये ना स्टॉक मार्केट का ही खेला है पूरा, और दूसरी चीज़ों पे भी ये काम करता है, बट इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपको अगर ऐसा लगे कि फील आए यार देखो हो सकता हो परसों पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए, तो आप कोशिश करोगे कि आज आप अपनी टंकी फुल कर लो, और ऐसे ही अगर सब लोग करेंगे तो वो क्या करेंगे, टंकी फुल करेंगे। बट वहीं पे अगर आपको लगे कि यार 2 दिन बाद तो पेट्रोल का प्राइस कम होना है, तो अभी पेट्रोल क्यों भरवाऊंगा, 2 दिन बाद भरवाऊंगा, तब पेट्रोल भरवाना बंद कर दिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, फ्यूचर में आपने स्पेकुलेशन किया कि जो प्राइस होगी ना वो कम हो जाएगी, तो अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, जब कम होगी तब ख़रीदूँगा, तो जब प्राइस कम होगी तब खरीदोगे, तो अभी क्या है, अभी तो प्राइस कम नहीं हुई, अभी तो प्राइस वही है, बट डिमांड कम हो गई, लोग कम खरीदने लगे, इंतज़ार कर रहे हैं जब वो प्राइस नीचे आएगा तब खरीदेंगे, तो अभी क्या हुआ, अभी के सिचुएशन में लोग कम खरीद रहे हैं। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, लेट से आप खाते हो मटन, हाँ, और मटन का एग्जांपल कुछ अच्छा नहीं जमेगा, तो इसको कुछ ऐसे चेंज करते हैं, लेट से आप खाते हो चावल, और चावल जो है बहुत महंगा होता जा रहा है, बट आप चावल रोटी दोनों खाते हो, ऐसे मत समझना कि चावल ही खाते हो, बट आप प्रेफर चावल करते हो, और चावल का प्राइस बहुत ही महंगा हो जा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप रोटी पे शिफ्ट कर जाओगे। और ज़रा सा अगर हम इसको चेंज करते हैं कि आपकी चावल की प्रेफरेंस नहीं है, आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट हुआ यूँ कि मार्केट में रोटी सस्ती मिल रही है एज़ कम्पेयर टू चावल, तो आप क्या करोगे, आप यही कहोगे ना पेट भरने से मतलब है, जिससे ज़्यादा सस्ते में पेट भर जाए, अगर आपका यही मेंटालिटी है, जिससे ज़्यादा सस्ते में पेट भर जाए, तो क्योंकि रोटी की प्राइस कम हुई है और रोटी की डिमांड बढ़ी है, तो चावल से लोग शिफ्ट होकर रोटी पे गए, बट चावल की प्राइस में तो चेंज नहीं आया था, बट क्या हुआ, डिमांड कम हो गई उसकी, तो क्योंकि रोटी की डिमांड बढ़ी प्राइस कम होने की वजह से, और चावल का प्राइस में तो चेंज ही नहीं आया, बट फिर भी चावल की डिमांड कम हो गई, तो ये है रिलेटेड गुड्स का इम्पैक्ट। फिर है नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर, लेट्स से मार्केट में कुछ ऐसी पैंडमिक आती है कि लोग जो है कोई चीज़ कंज्यूम करना ही छोड़ देते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है मार्केट में लोग कंज्यूम करना ही छोड़ देते हैं वो पर्टिकुलर चीज़। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लें, अगर कि कहीं पर गवर्नमेंट ने या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, एनजीओ ने कहा कि सबको फिट रहना है, और बहुत लोग मोटिवेट होकर फिट होने चले गए, तो लोगों ने जंक फूड खाना बंद कर दिया, मैकडोनल्ड जाना बंद कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे जो पोटेंशियल बायर है वो कम हो जा रहे हैं, तो उसके वजह से डिमांड मैकडोनल्ड के बर्गर की कम हो जाएगी, और जो प्राइस है, क्योंकि वो वहीं पे रह रहे हैं, मैकडोनल्ड वालों ने प्राइस में चेंज नहीं किया, फिर भी बर्गर की डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग हेल्दी होना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर सेम चीज़ बढ़ती कैसे है, तो फिर से वही आते हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम, आपके पास ज़्यादा इनकम है, तो आप चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको बिरयानी पसंद है, आप महीने में 2 बार बिरयानी खाते थे, तो इनकम बढ़ने पे आप महीने में 4 से 6 बार भी बिरयानी खा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो खा लोगे और प्राइसेस बढ़ेंगी, सॉरी, और जो डिमांड है वो बढ़ेगा, बट प्राइसेस तो सेम है, तो क्या होगा, ये डिमांड इनकम के वजह से बढ़ी है, तो यानी ये शिफ्ट हो जाएगा किधर, राइट में, और ये फंडा आपको याद रखना है, अगर कम हुआ तो लेफ्ट, बढ़ा तो राइट, सीधी सी बात है, जितना, क्योंकि क्वांटिटी नीचे है, तो जितना क्वांटिटी इधर जाएगी तो उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हो, मतलब शिफ्ट आएगा, और जितनी क्वांटिटी कम होगी उतना ही आपका लेफ्ट हैंड से शिफ्ट आएगा, यानी कम तो लेफ्ट, ज़्यादा तो राइट। फिर सेम कंज्यूमर ट्रेंड, लेट से कि कोई चीज़, कोई कपड़ा फैशन में आ गया, और वो फैशन में आ गया तो अब लोग पहनेंगे उसको, तो उसका भले वो प्राइस जो भी हो, बट डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, लेट से कि सामने कुछ दिनों में पेट्रोल के प्राइस ऊपर बढ़ने वाले हैं, बट अब क्या होगा, बढ़ने तो वाले हैं, तो आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी की टंकियाँ अभी ही फुल करा लोगे, हाउएवर अभी के जो पेट्रोल प्राइस है वो
सेम है, उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, बट फिर भी डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है, स्पेकुलेशन है कि आगे जो फ्यूचर है में जो पेट्रोल का प्राइस होगा वो बढ़ेगा। फिर एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर प्राइस भी हमने जान लिया। अब रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे बीफ चिकन की बात किया, तो मेरे को नहीं लगता बीफ चिकन एक प्रॉपर रिलेटेड गुड्स है, बट मैं कुछ ऐसे चीज़ बोलूँगा जो कि रिलेटेड गुड्स हैं। लेट्स से कि आप पुराने एग्जांपल पे जाते हैं, जैसे चावल और रोटी। अब क्या होता है ना कि रोटी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और जो रोटी वाले पर्सन हैं वो क्या करते हैं, चावल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, चावल की तो प्राइस नहीं बढ़ी बट चावल की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोग रोटी से शिफ्ट होकर चावल पे आ रहे हैं। फिर अगर सेम तरीके से देखें नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर, तो पोटेंशियल बायर में कुछ ऐसा आता है जहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं, अब मैं इसी प्रोडक्ट का जो कंज्यूमशन करूँगा या इस प्रोडक्ट का कंज्यूमशन मैं बढ़ा दूँगा, तो वहाँ पे ये चीज़ आप देख पाओगे। जैसे कि लेट से एक मार्केट में 100 ही लोग थे जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते थे। इधर हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक पर्टिकुलर मार्केट में सिर्फ 100 लोग के पास ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, बट वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे लोग आने लगे, वो गांव या शहर बसने लगा, तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन 120 हो गई। अब 20 लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत है तो वो ब्रॉडबैंड लगवाएंगे। तो देखा अपने, जैसे नंबर ऑफ बायर्स बढ़े तो डिमांड बढ़ गई, हाउएवर प्राइस तो वही है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि हम लोगों ने कवर किया। कोशिश किया जितना जल्दी क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में समझाया जा सके किया, हालांकि फिर भी वीडियो लंबी हो गई, बट कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें सीखने के लिए लंबी वीडियोस देखनी पड़ती हैं। तो लंबी वीडियो सिर्फ मत देखिए, वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल सब्सक्राइब करें, और शेयर अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल करिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।